अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट और इसके कंसेप्ट के क्या मतलब क्या कैसे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आते हैं, स्पेशली इंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंट्री टेस्ट की जो हमारे पास होती है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई एम विल नॉट गो टू डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला जो कि आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इनके जो सिमिलर लाइट्स डॉपलर इफेक्ट्स और साउंड के जो डॉपलर इफेक्ट्स हैं उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, किस वजह से ये डिफरेंस आता है, उसके बारे में मैं थोड़े बहुत ओवरव्यू दूंगा। वो ही पहले ये कहते हैं, फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ डॉपलर इफेक्ट। व्हेन अ वेव सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर्स, मीन्स कि आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या है, रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिसीव्ड बाई द ऑब्जर्वर इज डिफरेंस फ्राम द सोर्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स यही बात है, जब आपके पास एक ऑब्जर्वर है और दूसरा आपके पास एक जो सोर्स है, दोनों सोर्स एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ऑब्जर्वर कोई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है, दोनों में डिफरेंस जो होता है फ्रीक्वेंसी का, वो उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पे वो लफ्ज़ द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये अपेरेंट चेंज इसलिए हम इसको कहते हैं बिकॉज इट ओनली अपीयर टू ऑब्जर्वर, देयर इज ए नो चेंज एसोसिएटेड विद द सोर्स, कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, सोर्स जो जनरेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी की जनरेट कर रहा है, लेकिन इट्स अपीयर फॉर एन ऑब्जर्वर, ठीक है, वो उस वजह से हम इसको अपेरेंट चेंज कहते हैं। द अपेरेंट चेंज इज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। ये कहता है कि जब सोर्स नज़दीक जाएगा तो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मोर होगी, और ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड द सोर्स या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है। इसके बाद ऑन द अदर हैंड द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आर द सोर्स ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द, ये अगर दोनों जो है अवे मूव कर रहे हैं तो अवे में हमारे भी बात है, नंबर ऑफ वेव जो है हमारे पास जो रिसीव होंगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कम होती है। इट कैन बी शोन दैट द बेसिक अफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स इज चेंज ऑफ वेवलेंथ, एक्चुअली जो नंबर ऑफ वेव्स होती है, जो वेव हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है, एंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज चेंज इन द नंबर ऑफ वेव क्रस्ट आर रिसीव पर यूनिट पर सेकेंड, यानी जो नंबर ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं जिसे आप कहते हैं, नंबर ऑफ वेव काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वेव रिसीव पर यूनिट टाइम जो होते हैं वो चेंज होते हैं एक्चुअली। द वेरियस पॉसिबल केसेस जो हमने भी डिस्कस की, कौन कौन से केसेस बनते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो है कम होती है, अब मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, और साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल विंड चल रही है तो फिर क्या इफेक्ट होता है, मतलब मीडियम भी मूव कर रहा है साथ साथ तो फिर क्या इफेक्ट हमारे पास होगी, ये अक्सर जो है एग्जाम में आ जाते हैं। द फर्स्ट जो वेरी सिंपल है कि सोर्स मूविंग टूवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारे पास स्टेशनरी है और सोर्स इज़ मूविंग, तो याद रखें इस को याद करने का एक फार्मूला ये है कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो आपने ऊपर जो वेलोसिटी है, ये जो वी है इसमें चेंज करना है, और अगर आपके पास कोई सोर्स मूव कर रहा है तो आपने ये नीचे वाले फैक्टर में से किसी को एक चेंज करना है, ठीक है। तो ये ज़रा आप क्या करेंगे, जब आप सोर्स मूव करेंगे तो नीचे वाले टर्म में से कुछ ऐड प्लस माइनस करना है, ऑब्जर्वर मूव करे तो ऊपर वाले में से, ठीक है। व्हेन सोर्स मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी, आप सोर्स मूव कर रहे हैं तो हमारे पास सोर्स जब नज़दीक मूव करता है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, वो मतलब नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी तो हमारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो नीचे वाले फैक्टर जो है वो कम होगा, तभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है राइट लेफ्ट साइड पे वो बढ़ेगी। तो हमने नीचे लिखा ना वी माइनस वी एस इंटू वी इंटू एफ, यानी म्यू से लिखा है उन्होंने, तो तब हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके बाद सोर्स मूविंग अवे फ्राम, जब आपको पता है कि जब सोर्स अवे मूव करता है तो नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी, इसमें कम हो जाएंगी। अब अगर आप इसमें देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा तो तब भी हमारे पास ये जो इसका फ्रीक्वेंसीज है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ेगी। तो हमने सोर्स मूव किया तो हम नीचे वाले टर्म को चेंज करेंगे, यानी वी प्लस वी एस जब अवे जा रहा हो और वी माइनस वी एस जब टूवर्ड जा रहा हो ऑब्जर्व सोर्स। अभी ऑब्जर्वर की मोशन की बात नहीं की, जब ऑब्जर्वर की बात करते हैं ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड, अब देखिए इसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर में हमने ऊपर वाली वी प्लस वी नॉट, देखिए ऊपर में हमको ऐड करना है, ठीक है, और अब जब अवे मूव कर रहा होगा तो फिर हमारे पास वी माइनस वी नॉट, क्योंकि स्पीड जो है कम हो रही है, रिलेटिव स्पीड वी माइनस वी नॉट हमने लगाया, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके बाद
सोर्स मूविंग टुवर्ड ए रिसेंडिंग ऑब्जर्वर, इसमें दोनों मोशन आ जाती है कि सोर्स तो नज़दीक मूव कर रहा है, ठीक है। जिन हमारे पास ऊपर हमने चार कंडीशन डिस्कस की हैं, इसमें वो सारों की कम्बिनेशन है कि सोर्स मूविंग टुवर्ड ए रिसेंडिंग ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग टुवर्ड, तो सोर्स मूविंग टुवर्ड कौन सा वाला था, ये वाला, लेकिन सोर्स मूविंग टुवर्ड, इसमें आप देखिए नीचे हमने क्या लगाया, वी माइनस वी एस लगाया है। अब सोर्स मूविंग टुवर्ड, तो यहाँ पे नीचे हमने क्या लगाया, वी माइनस वी एस लगाया है, लेकिन टुवर्ड ए रिसेटिंग, रिसेटिंग का मतलब बैक जाता हुआ, यानी अब ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर अवे जब जा रहा था तो आप देखें ऑब्जर्वर किस में है, ऑब्जर्वर जिसमें अवे जा रहा था, ऑब्जर्वर मूविंग अवे, देखें तो इसमें हमने क्या लगाया, ऊपर माइनस लगाया, वी माइनस वी नॉट, तो इसमें आपने क्या, वी ऊपर वी माइनस वी नॉट लगाया, ठीक है। तो आप इन सब की कम्बिनेशन से आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड ए रिसेंडिंग सोर्स, अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है नज़दीक, जब भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो जब ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड, तो ऊपर आपने क्या लगाया, वी प्लस वी नॉट, यहाँ पे आपने ऊपर वी प्लस वी नॉट, ऑब्जर्वर के लिए फ्रैक्शन से ऊपर जो वाला टर्म है उसको चेंज करनी है, और सोर्स के लिए नीचे वाली टर्म को, ठीक है। अब टुवर्ड ए रिसेंडिंग सोर्स, सोर्स अवे मूव कर रहा है, तो आपको पता है जब सोर्स अवे मूव कर रहा है, सोर्स मूविंग अवे, तो नीचे कौन सी टर्म को हमने चेंज किया, नीचे वाली टर्म हमने प्लस किया, देखें वी प्लस वी एस, तो यहाँ पे हमने वी प्लस वी एस लगाया, ठीक है। तो ये हमारे पास जब सोर्स भी मूव कर रहा था और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा था, ये हमारे पास सिक्स कंडीशन बन गई। तो इसके बाद जो है एक चीज़ ये आ जाती है कि जनरल अगर हम लिखें, इन जनरल हम सारे कम्बिनेशन के म्यू प्लस प्राइम इज इक्वल टू, म्यू प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट ओवर वी माइनस प्लस वी एस इंटू वी नॉट। देखें जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, जब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, जब दोनों मूव करें, इन विद अपर साइन इंडिकेट ए रिलेटिव अप्रोच, जो अपर साइन है वो रिलेटिव अप्रोच को जाहिर करता है, एंड द लोअर साइन रिलेटिव रिसेशन, जो लोअर साइन है वो रिसेशन को जाहिर कर रहा है, यानी इन दोनों की जो लोअर साइन है ऊपर वाले को, ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव रिसेशन को जाहिर कर रहा है, और जो अपर साइन है वो इंडिकेट है रिलेटिव अप्रोच को, यानी जब ऊपर प्लस हो तो आप समझ लें कि आपने अप्रोच कर रहे हैं ऑब्जर्वर, नीचे यहाँ पे नेगेटिव हो तो आप समझ लें कि सोर्स कर रहा है अप्रोच कर रहा है, यानी जब भी सोर्स नज़दीक जाएगा तो नीचे आपने नेगेटिव साइन लगाना है इसमें, देख, ठीक है, ये वी माइनस वी नॉट के साथ है। अब यहाँ पे कुछ और दो है कि इस, यानी एक और केस है जो एक्चुअली यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको जब बता देता हूँ आप उसमें सॉल्व भी कर सकते हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर एक जगह पे रुका हुआ है, व्हेन ए मूविंग सोर्स क्रॉसेस हिम। अब ये बात जरा सोचने वाली है कि जब मूविंग सोर्स जो है हमारे पास क्रॉस कर रहा हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं देख बताऊँ आपको कि हमारे पास एक्चुअली इसमें हो क्या रहा होता है, कि जब अगर आपके पास एक सोर्स रेस्ट ऑब्जर्व स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो इसमें देखिए व्हेन ए मूविंग सोर्स क्रॉसेस हिम, जब सोर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते हैं कि एक ऑब्जर्वर है, तो मूविंग सोर्स, जैसे सोर्स मूव करेगा तो पहले तो वो नज़दीक आएगा, इधर एक पॉइंट पे एक नज़दीक आएगा, और फिर क्या करेगा, उसको क्रॉस करेगा और वही सोर्स अवे जाएगा, तो पहले आपने एक फ्रीक्वेंसी नोट करनी है कि जब वो अवे जा रहा है इसको हम F1 कह देंगे, ठीक है, जब वो इस तरीके से दूर जाएगा तो फिर हम इसको F2 कहेंगे, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, यानी एक में फ्रीक्वेंसी जो सब जब सोर्स नज़दीक आ रहा होगा ऑब्जर्वर के, फिर जब उसको क्रॉस करेगा वो इसे दूर चला जाएगा, तो फिर आपने उस दोनों फ्रीक्वेंसी नज़दीक F1, यानी जब सोर्स नज़दीक आ रहा हो उसको हमने F1 कह दें, वो हमने देख लिया कि जब सोर्स नज़दीक आ रहा हो तो क्या होता है, जब हमारे पास सोर्स नज़दीक आ रहा हो, सोर्स मूविंग अवे एंड सोर्स, इसमें देखें ये सोर्स मूविंग टूवर्ड, यानी F1 और टू, इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, F1 और टू का जब जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू टू वी वी एस ओवर वी स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर इन टू वी, ये आ जाएगा, तो आपके पास ये फार्मूला होगा। लेकिन चेंज इन फ्रीक्वेंसी मेजर बाई ऑब्जर्वर एज ही पासिस बाई स्टेशनरी सोर्स, अब सोर्स रेस्ट पे है, पहले ऑब्जर्वर नज़दीक आ रहा होगा, फिर क्या होगा, जब वो क्रॉस कर लेगा वो तो दूर जाएगा, तो अपने आप में ये जो हमारे पास दो ऊपर केस हैं दो, अगर मैं आपको इसमें बताऊँ, यानी कि जब हमने ऑब्जर्वर की मोशन की बात की, ये ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड, यानी इसको आप F1 कह दें, और ये ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्राम, तो इसमें आप F1 माइनस F2, यानी जो 3 और 4 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, टू वी नाट म्यू ओवर म्यू, ये वी, ये आपके पास रिजल्ट आएगा,
जब एक चेंज इन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर एज ही पासिस बाई स्टेशनरी सोर्स, सोर्स अब रेस्ट पे है लेकिन ऑब्जर्वर जब नजदीक आ रहा था फिर फ्रीक्वेंसी है वन, जब वो क्रॉस करके आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, वो दूर जा रहा होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन एक और आता है, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मीडियम, अगर मीडियम भी मूव कर रहा है साथ तो फिर क्या होगा, इफ वी एम इज द स्पीड ऑफ द मीडियम देन द वी इज रिप्लेस बाई वी प्लस माइनस वी एम, यानी जो आपके पास ये हमने वी लगाई है इस एक्सप्रेशन में, ये जो आपने वी यूज कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, इस इसकी जगह क्या होगा, वी प्लस वी एम, ठीक है, वी प्लस माइनस वी एम, वी आर प्लस साइन इज टेकन इफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अदरवाइज एंड माइनस साइन इज टेकन इफ द मीडियम मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, अगर वेव की डायरेक्शन में वेंट चल रहा है मीडियम मूव कर रहा है तो फिर आप समझ लें हमने प्लस लगाना है, अगर वेव इस तरफ एक डायरेक्शन में जा रही है राइट को और आपका जो जो हमारे पास मीडियम है वो दूसरे साइड पे जा रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, उसमें वी माइनस वी एम लगाना है। और ये मीडियम की बात इस तरह कर सकते हैं कि जैसे आपके पास आप फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास जो यानी कैमरा है कि यानी आप एक रूम समझ लें जो आपके लिए बाटरीज है दैट इज मूविंग, यानी आप स्पेस इसको शिफ्ट कह सकते हैं जिसमें आप रीडिंग ले रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, यानी आप इसको कंटेनर टाइप है जो कि मूविंग है, ठीक है, जो आपके पास सोर्स मीडियम है, या आप इसको किसी जहरी बात है कोई एयर नहीं कोई और मीडियम भी हो सकता है जिसकी कार्टरी से आप स्पीड ले रहे होते हैं, तो देयर इज यहाँ पे कहते हैं इफ द मीडियम मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द मीडियम अलोन, ठीक है। इसके बाद डोपलर इफेक्ट इन लाइट्स, वी हैव नोटेड दैट इन साउंड, इन साउंड द डोपलर इफेक्ट इज एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक देखें द फ्रीक्वेंसी चेंज डिपेंड वेदर द सोर्स इज मूविंग और ऑब्जर्वर इज मूविंग, ये सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इवन इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज द सेम, यानी दोनों के में रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम भी हो लेकिन जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर दोनों में फ्रीक्वेंसी चेंज आती है। डोपलर इफेक्ट इन लाइट में भी होता है, हाउएवर द डोपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक, ठीक है, अब इसमें एक की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और दूसरी की वजह देखें, इट डिपेंड ओनली ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इरिस्पेक्टिव ऑफ विच ऑफ द टू इज मूविंग, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर जो देखा कि अगर सोर्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी और आ रही थी, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी और हो रहा होगा, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर सोर्स मूव कर रहा है तो फिर भी वही फ्रीक्वेंसी, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फिर भी वही अपने चेंज इन फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस अकर बिकॉज साउंड रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम्स एंड वी वी एस एंड वी नॉट आर मेजर रिलेटिव टू द मीडियम, ठीक है, हम हमारे पास जो वेलोसिटी मेजर करते हैं वी वी एस एंड साउंड में हम दोनों रिलेटिव टू मीडियम मेजर करते हैं, लेकिन लाइट में हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, इट डिपेंड इसमें डिपेंड नहीं करती, ऑन द अदर हैंड डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन एट स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम फॉर एनी ऑब्जर्वर वेदर सोर्स इज मूविंग, द करेक्ट फार्मूला फॉर द अपरेंट चेंज इन द लाइट इज देयरफॉर, ये भी आप रिलेटिविटीज में देख लेंगे कि इसमें हमारे पास म्यू प्राइम इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस वी आर ओवर सी इंटू वन, ये देखकर डायरेक्टिव फैक्टर भी इसमें आ गया। अब अगर आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, इस टर्म को ऊपर ले जाएं, यानी ये जो टर्म है इसको ऊपर लगाएं और इसमें जो बाइनोमियल वी आर इज वेरी लेस देन सी वाली लिमिट लगाएंगे तो ये जो फार्मूला है आपका ये फार्मूला दोबारा हमारे ऊपर वाले फार्मूला में कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो ये फार्मूला भी मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिराइव करवा दूँ, वी आर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं इसको ऊपर लेके जाएंगे एंड वी आर इज वेरी लेस देन सी तो हमारे पास ये बनता है वी प्राइम इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस माइनस वी आर ओवर सी, इट इज़ ईजी टू वेरीफाई, हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है हमारे पास बिल्कुल वही फार्मूला हो जाता है, रिड्यूस टू द फॉर्म व्हेन वी एस इज़ वेरी वेरी लेस देन सी, दिस फार्मूला लीड टू, अगर आप फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ में जाना चाहें तो हम देख सकते हैं डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी आर ओवर सी, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज थी। अब ये डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा आपको पता है कि वेवलेंथ चेंज होती है हमारे पास क्योंकि लाइट की केस है, तो लाइट में हम स्टार देखते हैं कि हमारे पास जब स्टार मूव करते हैं तो उनकी जो हमारे पास ऑब्जर्व होती है मतलब हम इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअली, जिसमें आप रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट की बात करते हैं कि आपके पास एक स्टार होता है आप उस स्टार को देख रहे होते हैं उसके जो स्पेक्ट्रम होता है जो लाइट आती है आप उसको अर्थ पे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उससे कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से हाइड्रोजन की वेवलेंस उसकी वेवलेंस ज़्यादा है जो स्टार से लाइट आ रही है या कम है, तो वो हाइड्रोजन से हम इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो एक्चुअली स्टार के अंदर जो फ्यूजन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज़ हो रहे हैं तो
इस वजह से हम उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। अगर उसकी वेवलेंस ज़्यादा आ रही होती तो हम कहते हैं वो अवे जा रहा है, अगर वेवलेंस कम आ रही होती तो हम कहते हैं उसमें हमारे पास अब नज़दीक आ रही है, यानी वेव नंबर ऑफ वेव कम हो रही है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करूँगा, इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे साथ साथ।